हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज के बी हैप्पी एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है 10th साइंस के लिए है, चैप्टर 2 वीडियो लेक्चर 4। यदि आपने आगे के 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आगे के 3 वीडियो जरूर देखें और उसके बाद ये वीडियो को देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आगे के 3 लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अम्ल के बारे में, अम्ल के रासायनिक गुण देखे, अम्ल के भौतिक गुण के बारे में चर्चा की, 2 प्रैक्टिकल की भी हमने बात की, प्रयोगशाला के अंदर डायहाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो 4 मार्क्स का सवाल था आप लोगों को मैंने बताया था। आज हम पढ़ने वाले 4 के गुण के बारे में। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 4 के भौतिक गुण और रासायनिक गुण की चर्चा कीजिए। 4 के रासायनिक गुण काफी कम है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 4 के गुण की। तो यहाँ पर भौतिक गुण की यदि मैं बात करने जाऊँ तो 4 के 2 भौतिक गुण है। एक तो पहला भौतिक गुण होता है कि 4 जो होते हैं ना स्वाद में कसेले होते हैं, जैसे कि आप आंवला खाते हो, ठीक है, तो उसका जो स्वाद लगता है ना, तो उस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने अनुभव किया हुआ है। और साबुन जो होते हैं कपड़े धोने के, उनका जो झाग निकलता है वो झाग भी क्या होता है, 4 होता है। और ये 4 करते क्या है, तो 4 जो होते हैं ना वो लाल लिटमस को कैसा बनाते हैं, नीला बनाते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो 2 के अंदर बताया हुआ था कि इसको कैसे याद रखते हैं और सूचक के नाम भी बताए हुए थे, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलीन, उसके द्वारा भी हम बेस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारी 4 के भौतिक गुण की बात। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 4 के जो है रासायनिक गुण की, जो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखे हुए है 3 रासायनिक गुण हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डीप में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी मैंने नोट तैयार की है और नोट की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अभी आप जो है वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद उसको समझिए और अपने हिसाब से एक नोट तैयार कीजिए। ठीक है, शॉर्टकट मेथड रहेगी, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 4 के। तो पहला रासायनिक गुण है 4 का कि 4 की अभिक्रिया धातु के साथ, जब 4 की अभिक्रिया धातु के साथ की जाती है तो हमें प्राप्त होता है लवण और डायहाइड्रोजन गैस। देखो दोस्तों, सभी धातुएं जो है ना वो 4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, कुछ धातु ही जो होती है 4 के साथ अभिक्रिया कर पाती है, और 4 जो होते प्रबल होते वही धातु के साथ अभिक्रिया कर पाएंगे, बाकी 4 जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर पाते नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ जो 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया मैं करवाने जा रहा हूँ NaOH, उसकी अभिक्रिया करवाने जा रहा हूँ मैं धातु के साथ। तो धातु कौन सी ले रहा हूँ, तो धातु में ले रहा हूँ जिंक। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, जिंक के साथ। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आप जो भी अभिकर्मक लेते हो या उत्पाद जो प्राप्त होता है उसके नीचे इनका नाम लिखना कंपलसरी है, नाम लिखना मत भूलिए। ठीक है, जो प्रचलित नाम है जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, डायहाइड्रोजन गैस हो गया, डाइऑक्सीजन गैस हो गया, बायसांस, अगर इसके नीचे नहीं लिखते हो तो चलता है, लेकिन जो नाम आ यहाँ पर आता है उसके नीचे नाम लिखे तो अभिक्रिया जो है संपूर्ण रहेगी और व्यवस्थित दिखेगी और अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी अभिक्रिया हो रही है जिंक के साथ। जब ये दोनों अभिकर्मक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसका मैं नाम लिखूंगा नीचे ताकि आप लोग जो है पढ़ सको। ठीक है, और सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र होता है Na2ZnO2। ठीक है दोस्तों, ये अणुसूत्र है हमारा सोडियम जिंकेट। ठीक है, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आप बोर्ड पे देख रहे हो इसमें क्या मुक्त हो रहा है, डायहाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, क्या मुक्त हो रहा है, डायहाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों बोर्ड पर देखिए जरा, ये अभिक्रिया जो है बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो तो सभी रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा बैलेंसिंग रोल में ही लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और हाइड्रोजन भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 टाइम है और जिंक कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आगे 2 लगा लिया, तो सोडियम 2 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम एंड जिंक
कांटेक्ट। ठीक है, तो ये अणु सूत्र बनेगा सोडियम जिंक का, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस क्या होता है मुंह, और सभी चार जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया कर पाते नहीं है, याद रखिएगा कुछ ही ऐसे चार जो होते हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं, और बहुत कम समीकरण बनेंगे आपको जो चार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर, और मैं दूसरे भौतिक रासायनिक गुण की मैं बात करने जा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि चार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, दोस्तों याद रखिएगा धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया नहीं होती है, बेस जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो अधातु होते हैं उसके आगे क्या लग जाएगा ऑक्सीजन लगेगा, तो क्या बनेगा अधातु ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है डाइऑक्सीजन गैसे सब क्या है अधातु ऑक्साइड है। तो मैं यहाँ पर कोई एक उदाहरण देने जा रहा हूं, तो कोई भी क्षार को पकड़ लीजिए जैसे कि मैं बात करता हूं, और जो अभिक्रिया आपको मैंने अम्ल वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करने वाले के साथ बताई थी, हमने क्या अभिक्रिया ली थी दोस्तों याद कीजिए जरा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करने जा रहा हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CaOH2, दोस्तों अणु सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ की जाती है, किसके साथ अधात्विक ऑक्साइड, याद कीजिए दूसरा रासायनिक गुण जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तीसरे लेक्चर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी किसके साथ अभिक्रिया हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और किसका निर्माण होता है इसमें जब ये अभिक्रिया होती है तो निर्माण किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दोस्तों याद रखिएगा रासायनिक नाम लिखना बहुत जरूरी है कैल्शियम कार्बोनेट, और मुक्त क्या होता है तो मुक्त होता है H2O, क्या मुक्त होता है H2O यानी कि पानी का निर्माण होता है, तो एक दूसरा रासायनिक गुण हो गया, कोई भी रासायनिक गुण इसमें बता सकते हो, ठीक है, और किसका निर्माण होता है इस जगह पर सल्फेट के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, ये अभिक्रिया इसलिए मैंने बताया किताब में भी अभिक्रिया का प्रयोग किया गया है और आप और भी अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हो, और मिनिमम एक अभिक्रिया का उदाहरण देना जरूरी है जब आप रासायनिक गुण की बात करते हो। तब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको तीसरा रासायनिक गुण बताता हूँ, तीसरा रासायनिक गुण है कि चार की अभिक्रिया अम्ल के साथ, जैसे आपने देखा था ना कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ क्षार के साथ, और अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ आपने देखा था उसी प्रकार क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, और किसका निर्माण होता है लवण और पानी का निर्माण होता है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये समीकरण में लिख रहा हूं, आप बहुत सारे समीकरण का उदाहरण देख सकते हो, लेकिन मैंने बहुत लिमिटेड उदाहरण दिए हैं क्योंकि सवाल जो है इतनी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जरूरी है याद रखिएगा, चार मार्क्स में भी पूछ सकते हैं क्योंकि इस लेसन में से सवाल चार मार्क्स में आता है, समझिएगा दोस्तों, तो भौतिक गुण हो गए और रासायनिक गुण हो गए, अगर क्षार के गुण पूछे गए ना तो दोनों कंबाइन नहीं पूछ सकते क्योंकि जो रासायनिक गुण है वो काफी कम है, तो याद रखिएगा क्षार का उदाहरण और क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने जा रहे तो कोई भी क्षार का उदाहरण लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH, क्या ले रहा हूँ दोस्तों NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं अभिक्रिया करने जा रहा हूँ, किसके साथ अभिक्रिया करने जा रहा हूँ अम्ल के साथ, तो कोई भी आप अम्ल ले सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने HCl लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन जुड़ जाएगा सोडियम के साथ और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा इसके साथ, और किसका निर्माण करेगा H2O यानी कि पानी का निर्माण होगा, और लवण कौन सा बनेगा यहाँ पर सोडियम नमक जिसे हम बोल सकते सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से और भी आप उदाहरण देना हो तो दे सकते हो, मैं यहाँ पर एक और उदाहरण दे देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है अभिक्रिया करवा देता हूँ H2SO4, जानते हो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होगा, तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, याद रखिएगा रासायनिक नाम लिखना पड़ेगा आपको कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ से OH और यहाँ से डायहाइड्रोजन गैस यानी कि टोटल जो है अभिक्रिया बनने के बाद क्या होगा, तो ये जो कैल्शियम है वो कितनी बार आ जाएगा 2 times, मैं प्रक्रिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो Ca2SO4 बनेगा कैल्शियम सल्फेट का अणु सूत्र ये रहेगा, अब इनके बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या मुक्त होने वाला है OH, कितनी बार है 2 times, और डायहाइड्रोजन गैस यानी कि 2 times क्या मुक्त होगा H2O का निर्माण होगा, बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक गुण, आप नाइट्रिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके उदाहरण दे सकते हो, तो ये हो गए हमारे चार के गुण
ठीक है, ऊपर जो गुण दो लिखे हैं वो किसके है, शहर के भौतिक गुण, और नीचे के जो तीन गुण मैंने आपको बताए वो है शहर के रासायनिक गुण। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, इस लेसन को आगे ले जाते हैं, और आगे चलते हुए अब बात ये करना है कि सभी अम्ल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि सभी अम्ल और सभी क्षार में क्या समानता है, इस दोनों में समानता क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है, इन दो प्रयोग को हमें समझना है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा, जिसके कारण जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों के अंदर समानता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कौन सा टॉपिक कौन सा है कि सभी अम्ल और सभी क्षार में क्या समानता है। सभी की ऑल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी अम्ल के अंदर अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, जितने भी अम्ल है सभी के अंदर क्या समानता है उसके रासायनिक गुण में, इसकी हम बात करने वाले हैं। और सभी जितने भी क्षार यानी कि बेस है और सभी क्षार के अंदर क्या समानता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रयोग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ मैंने, और इस बीकर के अंदर मैंने तनु अम्लीय विलयन भर दिया है। इसकी बात कर रहा हूँ, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, तनु अम्लीय विलयन भर दिया है, और एक रबर का कोक लिया है जिसे आप देख रहे हो ना बीच वाला, और इसमें दो किल डाल दिया। ठीक है, दो किल के साथ जो है मैंने एक तार के द्वारा इसको जोड़ा है, जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है दोस्तों वो क्या है, एक तार है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो फिलहाल, जैसे कि आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये जो सिंबल है बैटरी का सिंबल है, जो आप आगे के लेसन के अंदर विद्युत वाला जो लेसन है उसके अंदर सिंबल पढ़ोगे। ठीक है, और ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है वो क्या है, हमारा बल्ब है, और यहाँ पर जो है स्विच है। ठीक है, जिसको ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, जैसे ऑन करेंगे तो विद्युत प्रवाह का वहन होगा। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, तनु अम्लीय विलयन भर दिया, रबर का कोक किल डाल दिया, परिपथ बनाया है। अब क्या होता है इसके अंदर, आपको जो है ये तनु विलयन जो होता है, तनु किसके अंदर बनाया जाता है कि जो सांद्र होता है ना, जैसे कि सांद्र का 100 ml या तो 10 ml का जो पार्ट होता है ना खाली, वो 1 liter विलयन 10 liter विलयन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो मतलब विलयन तैयार होता है वो तनु होता है। ठीक है, सांद्र नहीं लेना है हमें, यहाँ पर पानी के अंदर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जितना मैंने पानी लिया है उतने पानी के अंदर में 5 या 6 बूंद जो है कोई भी एक अम्ल के डालूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने खाली लिखा है तनु अम्लीय विलयन, आप कोई भी अम्लीय विलयन का यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। देखिए प्रयोग की सुविधा यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये प्रयोग को समझना जरूरी है ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे कि क्या समानता है सभी अम्ल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब तनु अम्लीय विलयन रबर का कोक और उसको परिपथ से जोड़ दिया तो क्या होता है, इसके अंदर आपको 1 gram नमक डाल देना है ताकि विलयन जो है विद्युत का वाहक बन जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एकदम जो शुद्ध पानी होता है ना वो विद्युत का कुछ अलग, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, सॉल्टेड वाटर जो होता है ना उसी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा केवल 1 gram, ठीक है, प्रयोग करने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें से विद्युत धारा बहना शुरू करेगी ना, हमने क्या लिया है यहाँ पर, कोई भी अम्ल ले सकते हो, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने HCl लिया है दोस्तों, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैं अभिक्रिया किसके साथ करने जा रहा हूं, इसमें तो पानी लिया हुआ, जब पानी के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा सब दोस्तों, यहाँ पर इसका आयनीकरण हो रहा है। आयनीकरण अर्थात क्या, कि जो ये पदार्थ है ना उसमें एक धनायन और ऋणायन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, जब आयनीकरण होकर धनायन और ऋणायन अलग होगा, ठीक है, तो पानी के अंदर अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि पानी जो है ना इसके अंदर कोई पानी का दूसरा कोई रोल है नहीं, तो एक पानी के अंदर अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें से एक H+ आयन और एक Cl- आयन मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या मुक्त होता है, H+ और Cl- आयन मुक्त होता है, H+ धन आयन और Cl- ऋण आयन, यानी कि जितने भी अम्ल हो गए वो सभी अम्ल में से कौन सा आयन मुक्त होने वाला है, H+ आयन मुक्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों H+ को बोला जाता है प्रोटॉन, और व्यवहार में प्रोटॉन जो होता है कभी अकेला प्राप्त होता नहीं है, H+ आयन इतना सक्रिय है कि जैसे ही कहीं से भी रिलीज होगा
कोई भी गैस से या कहीं से भी, जैसे H प्लस आयन अकेला रिलीज हुआ, मैं डायहाइड्रोजन गैस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, केवल H प्लस आयन की, जिसको प्रोटॉन भी बोला जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन स्वतंत्र नहीं है विश्व में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी होता है, यहाँ पर पानी के साथ अभिक्रिया होती है, तो ये पानी इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। वो कौन सा हाइड्रोनियम आयन है? तो S3O+, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन, याद रखना, और नाम लिखना सबके नीचे कंपलसरी है, आप लिखोगे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, समझ गए। और ये हाइड्रोनियम आयन आप कोई भी अम्ल ले लो और उसके अंदर अगर ये प्रयोग किया जाएगा, आप जो है बारी बारी से HCl, HNO3, H2SO4 पर सभी अम्ल लेके प्रयोग को करिए, सभी के अंदर H3O+ आयन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। आप पूछोगे कि कैसे पता चलता है कि H3O आयन का निर्माण होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बल्ब की रचना की है। अगर H3O+ यानी कि धन आयन यहाँ से निकलेगा तो ही ऋण आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर दाखिल होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो तटस्थ होगा और धन आयन निकलेगा नहीं तब तक ऋण आयन इसके अंदर एंटर होगा नहीं, तो धन आयन क्या होता जाएगा, मुक्त होता जाएगा, और ऋण आयन क्या होता जाएगा, अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो क्या रहेगी, शुरू रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की गति शुरू रहेगी तो जिसके कारण बल्ब जो है आपको प्रकाशित होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबके अंदर हाइड्रोनियम आयन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यदि अगर इसके अंदर बेस भर दिया जाए, ठीक है, मैंने जैसे तनु अम्लीय विलयन लिया उसकी जगह पर तनु क्षारीय विलयन ले लेता हूं, कोई भी क्षारीय विलयन में ले लूंगा, तो इसके अंदर एक घटना को आप देख पाओगे नहीं। इसका मतलब कि क्षार के अंदर H3O+ का आयन का निर्माण होता नहीं है, ठीक है। तो सभी क्षार के अंदर क्या समानता है इसकी बात करनी चाहिए, तो सभी क्षार के अंदर की बात करूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है, ये भी जो है अम्लीय पात्र दिया गया है, इसके जैसा एक प्रयोग है कि सांद्र H2SO4 लिया है मैंने, क्या लिया है, सांद्र H2SO4, और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया जो है किसी भी बेस के साथ अथवा तो जब पानी के साथ होती है, यानी कि जलीय विलयन के साथ, सांद्र को किसके अंदर डाला है, याद रखिएगा दोस्तों, अभी अम्ल की बात कर रहा हूँ, जितने भी सांद्र अम्ल होते हैं इसमें आपको नॉट डाला हुआ होता है, उसको डायरेक्टली आप हाथ से छू सकते हैं नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सांद्र होने के कारण यदि आपके हाथ पे उसके एक तो बूंद गिरेगी तो जैसे कि जलते हुए तेल में जैसे आपका हाथ जाता है और जैसे महसूस होता है दर्द, उस प्रकार का दर्द महसूस होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट हाथ से छुआ जाता नहीं, इसको ड्रॉपर के द्वारा उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। और पानी के अंदर जब आप सांद्र अम्ल या सांद्र बेस जब डालते हो उसको तनु करने के लिए, तनु करना मतलब कि जो सांद्र है ना उसको पानी में डालना, जैसे कि मैं बात करूं सिंपल सी भाषा में, एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, उस पानी की बाल्टी के अंदर अगर मैं 100 ग्राम 100 ml अगर मैं बेस या क्षार डाल दू, अम्ल डाल दू, तो क्या बन जाएगा, वो तनु बन जाएगा, उसके बाद उसको आप हाथ लगा सकते हो, लेकिन सांद्र को आप डायरेक्ट हाथ में ले सकते नहीं हो। जब कोई भी ऐसी बोतल होती है तो उसमें रेड सिंबल में आपको वार्निंग दी होती है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी प्रयोग आप करते हो आगे जाके तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब सांद्र होता है उसको जल के अंदर डालना, याद रखना, कभी भी जल को सांद्र में नहीं डाला जाता है, जैसे कि आप तवा होता है गरम, उसमें तेल उबल रहा हो, जैसे उसमें पानी डालोगे तो जैसी इफेक्ट देखने को मिलती है ना, ऐसी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर सांद्र के अंदर आप लोगों ने पानी डाला, तो पानी के अंदर क्या करना है आपको, अम्ल डालना है या फिर क्षार डालना है तनु करने के लिए। तो मैंने पानी के अंदर क्षार डाला और जैसे ये अभिक्रिया है उष्मा शैपीय अभिक्रिया है, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है दोस्तों, जैसे आप डालोगे तो व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा या तो फिर जो है झाग निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको आपको शांति से एक एक बूंद करके डालना, अगर ज्यादा डाल दिया तो जैसे कि उभार आ जाता है, जैसे आप सोडा के अंदर देखते हो उसके अंदर नमक या कुछ डालने पर क्या होता है, उभार आता है, उस प्रकार से उभार आएगा और अम्ल जो है आपके हाथ पर गिर सकता है, तो ध्यान रखिएगा वार्निंग आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि पानी के अंदर सांद्र H2SO4 डाला है, और सांद्र H2SO4 डाला है तो उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा यानी कि गैस निकलेगा, और वो गैस जो होता है शुष्क गैस होता है, सूखा होता है, ठीक है, और जब सूखा गैस जब वो लिटमस पेपर पर गिरता है तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या बना देता है,
जाता है, लाल बना देता है। ये सभी सांद्र के अंदर ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, H2O प्लस धन आयन का निर्माण करते हैं। जैसे ये पानी में गया तो पानी के साथ उसका आयनीकरण होकर H2O प्लस आयन बाहर निकला और H2O प्लस आयन जो है नीले लिटमस पेपर को लाल बनाया, यानी कि अम्लीय गुण वाले होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों बेस की। तो बेस जो होता है, तो बेस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कोई भी बेस जो होता है, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ NaOH। कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है पानी के साथ होगी, यानी आयनीकरण होगा, तो इसमें पानी का रोल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन मुक्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आयनीकरण होगा और इसमें एक धन आयन Na प्लस और ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन NaOH माइनस ऋण आयन का निर्माण होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी यहाँ पर देखो, मैं अगर KOH की बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, K प्लस पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन। यदि मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Ca प्लस और OH माइनस, ठीक है, और OH माइनस जो है कितने टाइम है, 2 टाइम। बात समझ में आ रही? तो सभी बेस के अंदर कौन सा आयन मुक्त हो रहा है, OH आयन माइनस जो है कॉमन आयन, वो क्या होता है, मुक्त होता है। सभी अम्ल के अंदर कौन सा आयन मुक्त होता है, H3O प्लस आयन का निर्माण होता है। कौन से आयन का निर्माण होता है, H3O प्लस आयन का निर्माण होता है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने अभिक्रिया की, पानी जो था वो अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण किया, और वो ही पानी की अभिक्रिया यहाँ पर होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है। तो प्रश्न ये होता है कि जो पानी होता है वो अम्लीय गुण वाला होता है या फिर क्षारीय गुण वाला होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो पानी होता है वो कैसे निर्माण होता है, तो आप कोई भी जितने भी अम्ल होंगे ना, वो सभी अम्ल के अंदर H यानी कि हाइड्रोजन होगा ही। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और जितने भी बेस होंगे ना, वो सभी बेस के अंदर OH माइनस आयन होगा ही। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कोई भी एक अम्ल की, और कोई भी एक अम्ल के साथ जो है यहाँ पर कोई भी पदार्थ जुड़ा हुआ है, M मतलब कोई भी पदार्थ इसके साथ जुड़ा होगा, और मैं बात करूं यदि बेस की, किसकी बात करूं मैं, बेस की यानी कि OH की, ठीक है, और OH के आगे जो होगा वो कोई भी पदार्थ जुड़ा होगा जिसका मैंने नाम ले लिया X। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो M और X क्या हो जाता है, अलग, और ये OH और ये H मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, यानी कि पानी जो होता है ना तटस्थ गुण वाला होता है, ना एसिडिक होता है और ना तो बेसिक होता है। बात समझ में आई? और दोस्तों आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि आगे के मेरे जो 3 वीडियो मैंने डाले हैं और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जो है हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब मिले, ताकि जो बच्चे जो है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी कम है, जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, केवल प्राइवेट एग्जाम दे रहे, और ये जो अभी की जो माहौल जो चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि परिस्थिति काफी खतरनाक हो गई है, और जो है बहुत से पेरेंट्स जो है यहाँ से छोड़ छाड़ के मतलब राजस्थान, यूपी, सब जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो सब लोग जो है घर पर बैठकर आसानी से पढ़ पाए, और उन लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी ऐसे वीडियो हम बनाएंगे वो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।